सब्सक्राइब कीजिए कॉमेडी हंटर्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट कॉमेडी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल तू मिला है तो है कह आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ हेलो अंकल आओ बैठो। तो तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो? जी अंकल। तो तुम क्या करते हो? जी जॉब ढूंढ रहा हूँ अभी, बस छोटा मोटा पार्ट टाइम करता हूँ, चल जाता है। तो नल्ले हो? नहीं अंकल, नल्ला नहीं, पार्ट टाइम जॉब है मेरे पास। कितना कमा लेते हो? महीने में 5,000 आ, मेरा बेटी का महीने में 5,000 का ड्रेस आता है। मेरा पापा बड़ा कंजूस है, ऐसा नहीं देता मुझे ड्रेस खरीदने का। क्या करूँ अब? जी अच्छा, तुम्हारे घर पे और कौन कौन है? मेरे पास माँ है। अच्छा, शादी हो जाने के बाद तुम लोग अलग तो रहोगे ना? क्या बोल रहे हैं, माँ से क्यों अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे सब। पर बेटा, मेरी बेटी जिस घर पे जाएगी वहां पे उसे परेशान करने वाला बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे अंकल, मेरा माँ परेशान करेगी? पर नहीं अंकल, वो तो आपकी बेटी को एकदम अपनी बेटी की तरह रखेगी। आप बस दे दीजिए यार। अरे भेज दो कहीं वृद्धाश्रम पे। माँ होती है, आपका ये बात कुत्ते की भौंकने जैसे लगा मुझे। गेट आउट, निकल। अंकल प्यार करता हूं मैं आपके बेटी से, थोड़ा सा सोचिए अंकल। औकात क्या है तेरा मेरे बेटी से शादी करने का? साले महीने में 5,000 कमाता है तू, 5,000 5 करोड़ नहीं। निकल, मेरे बेटी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। चल। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। फिर तुम लोग अपना थोपड़ा लेके आ गया मेरे पास, क्या बोला था फिर कभी दिखा तो। अरे भाई, हम लोग जानते हैं तुझे अभी जरूरत है हमारी। मैंने क्या गलत किया भाई? मैंने अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, लड़की करी। एकदम ठीक बोला भाई, एकदम ठीक। छोड़ ना भाई, दूसरा लड़की ले लेना, छोड़ ना। अरे दिल से था यार। क्या भाई, सच में तूने दिल से? हाँ यार, सच में दिल से था उससे। चल भाई, चल चल। किधर? मैं तेरा सेटिंग करके आता हूँ, तब तक के लिए अलविदा दोस्त।